नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकिलीक्स फॉर इंडिया में, और मैं हूं तरनजीत सिक्का आपके साथ। और आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं अपने दी हाफ आवर शो में, जिसमें हम रोजाना किसी ना किसी बड़े एजेंडा पे चर्चा करते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक हम आप लोगों के साथ एक बड़े एजेंडा पे बात करने के लिए सामने आते हैं। और आज फिर हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट राहुल झा और रोहित सिंह पटवाल भी शामिल हो चुके हैं, तो स्वागत करते हैं इन सभी का। और आज का जो हमारा मुद्दा है वो राजस्थान और तेलंगाना चुनावों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, कल राजस्थान की जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और राजस्थान और तेलंगाना में वोटिंग करी जाएगी। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 4,74,00,000 राजस्थान की जनता है जो मताधिकार का इस्तेमाल करेगी, जिसमें 2,72,00,000 पुरुष हैं और वही 2,27,00,000 के आसपास महिलाएं हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगी। तो वही तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना के अंदर लगभग 2.5 करोड़ के करीब की आबादी कल अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और ये जनता अपने फैसला सुनाएगी। और अब देखना यहाँ पे बहुत दिलचस्प होगा कि बीजेपी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों के बीच में जो कल यहाँ पे मुकाबला लड़ा जाएगा, चुनावी रण जो लड़ा जाना है, उसका क्या नतीजा निकलेगा। 11 तारीख को नतीजे आएंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़। राजस्थान और तेलंगाना में कल चुनाव होने हैं। तो अब शुरुआत करते हैं इस बार के मुद्दों से जिन पर राजस्थान और तेलंगाना के अंदर चुनाव होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोहित सिंह पटवाल से और उनसे जानते हैं कि क्या है इस बार का राजस्थान का एजेंडा। रोहित, तरंजीत, राजस्थान का एजेंडा अगर बीजेपी के हिसाब से हम देखें तो इस समय अगर जनता का रुख देखें, जनता तो नाराज चल ही रही है। अब ये देखना पड़ेगा कि बीजेपी कौन कौन से मुद्दे लेकर राजस्थान की जनता को लुभा सकती है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए, राजस्थान की जनता के हिसाब से देखा जाए, तो बीजेपी को कुछ ऐसे मुद्दे लाने चाहिए जिनसे राजस्थान की जनता प्रभावित हो और उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, क्योंकि कई ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं जिनकी वजह से इस बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को अगर मुद्दे लाने हैं तो विकास के मुद्दे रखने पड़ेंगे जो बीजेपी के मुद्दों से बेहतर हो, क्योंकि कांग्रेस तभी आ सकती है जब वो बीजेपी से कुछ बेहतर करके दिखाए और बीजेपी से कुछ बेहतर मुद्दे लाके दिखाए, जैसे नौकरी का मुद्दा या लेके आए या फिर विकास के मुद्दों पर राजनीति की जाए, तो शायद कांग्रेस ज्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ सकती है। जी राहुल, यहीं पे मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि क्या आपके नजरिए में क्या मुद्दे होने चाहिए राजस्थान के अंदर चुनाव के लिए। तरंजीत, जिस तरह से रोहित ने बताया कि अगर आप कांग्रेस कांग्रेस की सरकार को अगर राजस्थान में आना है तो उन्हें बीजेपी से बड़े मुद्दों को उठाना होगा, जिस चाहे वो नौकरी का मुद्दा हो। तरन, जिस तरह से अभी हाल ही में हमने एक और डिबेट किया था जिस पर हमने बताया था कि किस तरह का घोषणा पत्र था दोनों ही सरकारों का, चाहे राज्य की बात करें घोषणा या फिर अशोक गहलोत और राहुल गांधी और उनके कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी का जो घोषणा पत्र था वो कांग्रेस से ज्यादा स्ट्रांग था। और आपको याद दिलाऊं वहां पर हमने 3-0 से बीजेपी को जिताया भी था उस घोषणा पत्र के एक राउंड में। कहीं मुझे ये लगता है कि अगर मुद्दों के ऊपर बात की जाए तो बीजेपी ने ऑलरेडी चुनाव से पहले ही मुद्दों को जो है वो उठा दिया है। अब देखना यह है कि अगर इतिहास को बदलकर राजस्थान में दोबारा बीजेपी की सरकार लगातार बनती है दूसरी बार, तो बीजेपी सरकार क्या करती है, क्योंकि राजस्थान में सरकार का आलम कुछ इस तरह होता है तरन कि 5 साल बीजेपी रहती है तो 5 साल कांग्रेस रहती है। राजस्थान की जनता इतनी दयालु है कि वो हर 5 साल पर सरकार चेंज करती है और हर किसी को मौका देती है अपनी सेवा करवाने का। देखना ये है कि क्या इतिहास बदल कर राजस्थान की जनता जो है वो बीजेपी को दोबारा यहाँ पर अपने अपनी सेवा का मौका देती है या नहीं। जी रोहित, यहाँ पे जैसे हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी यहाँ पे हमारे पास कमेंट्स इस तरीके के आ रहे हैं कि बीजेपी वहां पर सरकार बनानी चाहिए और कांग्रेस को हिंदुओं के अगेंस्ट प्रोजेक्ट किया जाता है, जिस तरीके से हर बार कहा जाता है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी दलों के रूप में उभर के आई है। तो लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से इस बार के राजस्थान के जो राजपूत हैं वो इस बार बीजेपी से काफी नाराज नजर आए हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है कि राजपूत कहाँ जाने वाले हैं इस बार। तरंजीत, मेरे ख्याल से अभी बीजेपी से नाराज है ही, क्योंकि अभी बीजेपी SC ST एक्ट लेके आई थी, इस वजह से राजपूत और जाट जितने भी थे वो सारे बीजेपी से कट चुके हैं। वहीं अगर बात करें तो पद्मावत बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था जिसकी वजह से राजपूत समुदाय पूरा बीजेपी से, तो अगर राजपूत बीजेपी से इतने नाराज हो गए हैं तो राजपूतों के पास 3 दल शेष बचते हैं, वो है कांग्रेस,
और आम आदमी पार्टी जो इस समय राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो कांग्रेस का दामन थामना ज्यादा अच्छे से ज्यादा चाहेंगे, क्योंकि अभी कांग्रेस अब हिंदुत्व वाली राजनीति पर उतर चुकी है। और वहीं कांग्रेस ने दूसरा मुद्दा इस समय किसानों का शुरू कर दिया है, किसानों को लुभाना शुरू कर दिया। तो मेरे ख्याल से पूरा वोट बैंक अब कांग्रेस के साथ जाने वाला है, बीजेपी के साथ तो मुश्किल ही है अब इनका। जी राहुल, यहाँ पे आपका क्या विचार है कि जो स्वर्णिम वोट बैंक है, हिंदुत्व का जो कट्टर हिंदू वोट बैंक रहा है बीजेपी के पास हमेशा से, वो किस तरफ इस बार रुख करना चाहेंगे? क्योंकि पद्मावत का विरोध हो या फिर SC ST एक्ट आया हो, उससे काफी ज्यादा नाराजगी इस वक्त बीजेपी के लिए लोगों के मन में देखी गई है। तो आपका क्या विचार है कि जो ये वोट बैंक है, जो कट्टर हिंदुत्व का वोट बैंक बीजेपी के पास हमेशा से रहा है, वो किस तरफ झुकेगा इस बार? जी तरह, अगर बात करें कट्टर हिंदू वोट बैंकों की, तो कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस का जो दामन थामने के बाद जैसे रोहित ने यहाँ पर इस बारे में बात की है, इस बार आम आदमी पार्टी को शायद मौका ना मिले, या बाकी अगर बात करें बाकी पार्टियों को मौका ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जाना इनको बेहतर रहेगा। चाहे वो कट्टर हिंदू की अगर बात करें, तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस की जो सरकार है वो राजस्थान में नौकरियां से लेकर बाकी धर्म तक के मुद्दों पर चर्चा भी करेगी और उस पर काम भी करेगी। अभी हाल ही में तरह हमने बताया था कि जिस तरह से पद्मावती का जो मुद्दा उठाया था एक, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कट्टर हिंदू जो ज्यादातर अगर बात करें, तो चाहे वो जैसलमेर की बात करें या फिर चित्तौड़गढ़ की बात करें, वहां पर पद्मावती का मुद्दा भी ज्यादा उठा था। तो उस वजह से हो सकता है कि बीजेपी के वोट इस बार वहां पर कटे, क्योंकि क्योंकि उसका अगर उसका फायदा यहाँ पर अगर किसी पार्टी को मिलता है तो वो वोट कटने का फायदा मिलेगा डायरेक्ट कांग्रेस को। क्योंकि आप यानी आम आदमी पार्टी की वहां पर बात करें तो उनके चांसेस तो कम ही लग रहे हैं, चाहे हम रिकॉर्ड के हिसाब से देखें या फिर बाकी तकनीकों के हिसाब से देखें, तो आम आदमी का जो थोड़ा मुद्दा है वो वहां पर सामने निकल कर आ रहा है कि उनको थोड़ा कमी वहां पर प्रवेश करने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के तरफ ज्यादा चांसेस हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस हो सकता है इस बार राजस्थान की सीट ले जाए। लेकिन यहाँ पर अगर हम गौर करें तो दोनों ही दलों के पास कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी चीजें हैं, तो इन पर अब जरा चर्चा करते हैं। और रोहित, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या बीजेपी के पास कौन सी अच्छी चीजें हैं, एडवांटेजेस हैं राजस्थान के अंदर, और क्या डिसएडवांटेजेस हैं बीजेपी के लिए? तरंजीत, इस समय जैसे हम खबरों पे नजर बना रहे हैं, उस समय यही दिख रहा है कि बीजेपी के पास एडवांटेजेस तो थोड़े कम है, लेकिन डिसएडवांटेजेस इस बार बीजेपी के ज्यादा हो गए हैं। क्योंकि किसानों के लिए जो बीजेपी ने किया, तो उस वजह से किसान पूरे बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। और कांग्रेस घोषणा पत्र में ये दिखा चुकी है कि वो इस बार किसानों के लिए अच्छा करेगी, फायदा उठाते हुए बेसिकली। और दूसरा, अगर हम बात करें वहां पे राजपूत समुदाय की, तो सबसे ज्यादा राजपूत देखे जाते हैं, जो राजस्थान जगह है वहां पे सबसे ज्यादा राजपूत समुदाय के लोग हैं, सबसे ज्यादा राजपूत वोट बैंक होता है, तो वो भी इस समय बीजेपी से नाराज है। ये भी बीजेपी के लिए एक ड्रॉबैक है। और दूसरा, मानवेंद्र सिंह ने इस बार पार्टी छोड़ दी है, वो अब कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, तो ये भी एक बीजेपी के लिए ड्रॉबैक साबित हो सकता है। लेकिन बीजेपी के लिए अच्छी बात यह है कि सेंटर में जो उनकी छवि है वो काफी अच्छी है, और जो पीएम मोदी ने अभी धड़ाधड़ रैलियां की है वहां पे राजस्थान में, तो उस उनकी भाषा ही ऐसी है जो जनता को किसी तरह से लुभा लेते हैं, तो ये भी एक मतलब एक एडवांटेज साबित हो सकता है। और ड्रॉबैक एक और ये, 5 साल में सरकार बदलती है तो क्या पता इस बार भी ऐसा ही। यहाँ पर जिस तरीके से आपने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट की तो खैर खामियां वहां पे निकली है, लेकिन सेंटर का जो प्रभाव है, यानी कि मोदी लहर जो पूरे देश में चली है पिछले 4 सालों के अंदर, वो राजस्थान में भी आपके मुताबिक देखने को मिलेगी क्या? तरनजीत, बिल्कुल मिल, क्योंकि राजस्थान की जनता का जिस तरह से रुख देखा जाता है वो ऐसी है कि उन्हें राज्य का नहीं, उन्हें देश के विकास से मतलब होता है। तो अगर देश में कहीं पे भी, चाहे सेंटर ने ही विकास क्यों ना कराओ, पार्टी वो बीजेपी ही है, चाहे वो राजस्थान आई हो या ना आई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो काम किया है, मेरे ख्याल से उन कामों को भी नजर में रखते हुए मतदान होना चाहिए। जी, तो रोहित, जो हमने आपसे बीजेपी के लिए जो हमने प्लस और नेगेटिव माइनस पूछे, वही अब हम राहुल से पूछते हैं कांग्रेस के लिए, कि राहुल, कांग्रेस के लिए आपको क्या लगता है कि क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है ये चुनाव में? यहाँ पर अच्छा सवाल है कि कांग्रेस के लिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं इस बार की चुनाव में बात करें, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि बीजेपी के डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर बीजेपी ने अपने, जिस तरह से वसुंधरा राज ने कहा था कि उन्होंने 650 में से 620-630 के आसपास के वादे जो पूरे किए हैं,
तो अगर वो वादे अगर बात करें तो अगर वो सिर्फ पेपर पर हैं तो बहुत गलत है बीजेपी के लिए और इसका फायदा सीधा सीधा कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि जो बीजेपी का डिसएडवांटेज होगा वो कांग्रेस को एडवांटेज जरूर देगा, चाहे वो वादे पूरे करने की बात करें या फिर हम रैलियों की बात करें या फिर हम बात करें युवाओं को नौकरी देने की। और आपको तरन याद दिला दूं कि वसुंधरा राज की पूरी 5 साल की सरकार में राजस्थान में पानी की दिक्कत रही है। खैर उन्होंने ऑन पेपर उन्होंने ये बात कह दी है कि पानी की दिक्कत महज 2 या 3% थी, लेकिन आपको बता दें कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता पानी को लेकर इन 5 सालों में वसुंधरा राज की सरकार में तंग हुई है, जिस वजह से इसका एडवांटेज जो है वो कांग्रेस को ला सकते हैं। और आपको तरन घोषणा पत्र भी याद दिला दूं, कांग्रेस की सरकार ने जब घोषणा पत्र जारी किया अपना तो उसमें उन्होंने खास खास तौर पर यह लिखा हुआ था कि हम नदियों के लिए और झीलों के लिए एक अलग जल बोर्ड बनाएंगे जो सिर्फ नदियां और झीलों को देखेगी, उनका संभाल करेगी। और पानी की जो दिक्कत है राजस्थान में, तो सरकार में आकर कांग्रेस वो पानी की दिक्कत जरूर खत्म करेगी। और राजस्थान में आप तरन जानते ही हैं कि राजस्थान में पानी की दिक्कत यानी वहां की सबसे बड़ी दिक्कत है। राहुल, कांग्रेस के लिए राजस्थान के अंदर डिसएडवांटेजेस क्या साबित होने वाली है? जी, डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो अगर राज की अगर बात करें नौकरियों की, तो कहीं ना कहीं नौकरियां लेकर राजस्थान के युवा जरूर खुश हैं। वहां पर अगर बात करें, अगर टैक्स की यहां पर बात करूं तो 73.9% जो है युवाओं को वहां पर अपने काबिलियत से नौकरी मिली है। और इतने अगर आंकड़ों की हम बात करें तो वो वसुंधरा राज की सरकार में हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिसएडवांटेज जो है वो कांग्रेस को लेकर डूब सकती है, क्योंकि अगर देखिए तरह राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है देश का, और कहीं ना कहीं में बड़ा स्टेट होना ही अपने आप में बड़ा नहीं होता, बल्कि अगर आप वहां पर युवाओं की नौकरियों को लेकर बात करें या अन्य सोर्सेस को लेकर अगर बात करें, वहां पर अगर उन चीज में पूर्ति ना हो तो कहीं ना कहीं सरकार वहां पर घाटे में जाती है, सरकार पलटने की बात हो जाती है। तो कहीं अगर वसुंधरा राज में पानी की दिक्कत जरूर हुई है लेकिन युवाओं को नौकरियां मिली हैं, ये फैक्ट्स बताते हैं, फिगर्स बताते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि घोषणा पत्र में भी हमने कांग्रेस का युवाओं को लेकर बातें तो हमने काफी देखी कि फ्री में सुरक्षा मिलेगी, उसके बाद फ्री में पढ़ाई करवाई जाएगी महिलाओं की लड़कियों की, लेकिन वहां पर नौकरियों के लिए कुछ बड़ा मुद्दा या एकदम कठोर मुद्दा की अगर बात करें तो एकदम मुश्किल से उन्होंने नौकरियों की बात की होगी। तरह ये घोषणा पत्र में जो हमने जब आपने बात की थी तब यही हुआ था। रोहित, मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जिस तरीके से राजस्थान के अंदर प्रचार करा है और जिस तरीके से उन्होंने खबर तौर रैलियां करी है, तो क्या जनता राहुल गांधी के चेहरे पर भरोसा कर पाएगी? तरनजीत, मोदी से अगर हम राहुल गांधी की तुलना करें तो वो तो सही नहीं होगा, क्योंकि पीएम मोदी बहुत अच्छे वक्ता हैं और उनके सामने राहुल गांधी फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जो यहाँ पे रैलियां की है, दरअसल लोग अभी कांग्रेस को इसलिए नहीं अपना पा रहे हैं क्योंकि उन्हें कांग्रेस के चेहरे पे भरोसा नहीं है। जिस दिन उन्हें अगर कांग्रेस के चेहरे पे अगर जनता भरोसा कर लेगी तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को आने में इतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी दिक्कतों का सामना अभी उन्हें करना पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी के चेहरे से अभी जनता भरोसा नहीं कर पा रही है चेहरे पे। तो राहुल, यहाँ पे जिस तरीके से कांग्रेस के चेहरे पे बात हुई कि राहुल गांधी पर जनता भरोसा भी उतना नहीं कर पा रही है, तो वहीं एक सवाल यहाँ पे ये भी और उठता है कि जो महागठबंधन के कयास लगाए जा रहे थे वो कहाँ पे टूट गए? यहाँ पे राजस्थान के अंदर मायावती अब अलग चुनाव लड़ रही है, तो मायावती की क्या भूमिका रहने वाली है यहाँ पर? ये अगर जिस तरह से एक आत्मविश्वास दिखाया है मायावती ने गठबंधन ना करके अपनी पार्टी पर कि हमारी पार्टी अकेले चुनाव को जीत लेगी, अकेले ही सबसे ज्यादा सीटें ले लेगी और सरकार बना लेगी, कहीं ना कहीं तरह ये अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात जरूर मैं आपको कहूंगा, क्योंकि मायावती को याद रखना चाहिए कि वो राजस्थान है और वहां पर अपनी सरकार बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर आप अकेले गठबंधन के आप वहां पर सरकार बनाते हैं, आप अकेले चुनाव लड़ने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने इस चीज में बेवकूफी जरूर कर दी है, और अगर बेवकूफी कहेंगे उसके साथ साथ आपने जल्दबाजी भी कर दी है, क्योंकि गठबंधन यहाँ पे आपके लिए जरूर है, क्योंकि ये यूपी नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है, जहां पर आपके इतने सालों से खड़े किए हुए पार्टियों के जो मोर्चे हैं या फिर बात करें बाकी चीजों की, वो है आपका बेस नहीं है उतना बड़ा राजस्थान में, बिना बेस के अगर आप इतना बड़ा रिस्क लेते हैं तो कहीं ना कहीं मायावती ने बेवकूफी भी कर दी है और जल्दबाजी भी कर दी है यहाँ पर। रोहित, यहाँ पर एक दल और सामने निकल के आया, भारतीय ट्राइबल पार्टी
पीटीपी जो निकल के आई सामने छोटू भाई वासवा की, वो गुजरात से आप अपने हाथ बढ़ा करके राजस्थान में अब घुस गई हैं, तो यहाँ पर उनका क्या रोल हो सकता है, क्योंकि वो अच्छे खासे आदिवासी चेहरा रहे हैं, आदिवासी नेता रहे हैं, और राजस्थान के अंदर ठीक ठाक आदिवासी जनसंख्या भी है, तो यहाँ पर उनका क्या भूमिका हो सकती है? रंजित, बीटीपी के पास राजस्थान में 11 सीटें हैं, लगभग लगभग 11 उनके हाथ में है, और अगर उनके पास 11 सीटें उनके हाथ में हक में आ जाती है तो वो यहाँ पे बाजी पलटने वाला दल एक साबित हो जाएगा, क्योंकि वो अगर किसी पार्टी को बहुमत बनाए, बहुमत का आंकड़ा छूने में 10 या 11 सीटें और चाहिए या उससे कम भी चाहिए तो वो यहाँ पे उसको अपना समर्थन दे देगी, तो वो पूरी बाजी पलटने वाली बात यहाँ पे हो जाएगी। जी, तो आपका कहने का सीधा सीधा यहाँ पे मतलब ये हो रहा है कि अगर हंग असेंबली की सिचुएशन आती है कि अगर कोई भी दल पूर्ण बहुमत नहीं ले पाता है तो यहाँ पर छोटू भाई वासवा की बीटीपी बहुत बड़ा रोल निभा सकती है। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा चुनावी राज्य है तेलंगाना, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो तेलंगाना के अंदर इस वक्त त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना की जा रही है। आप लोगों को मैं बता दूं कि तेलंगाना के अंदर जहां एक तरफ गठबंधन की कोशिशें की गई हैं, कांग्रेस, लेफ्ट और तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू की जो टीडीपी है, इन तीनों पार्टियों के साथ एक और टीजेएस तेलंगाना जन समर्थन जो है उन्होंने भी समर्थन देकर के एक गठबंधन तैयार किया है जो तेलंगाना में केसीआर राव को टक्कर देने के लिए, टीआरएस को टक्कर देने के लिए उतरा है। तो वहीं जो सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त देश के अंदर उभर करके सामने आई है, भारतीय जनता पार्टी, वो अकेले चुनावी मैदान में है। अभी फिलहाल उनका किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। तो ऐसे में इन तीनों दलों के बीच में जो मुकाबला होने वाला है वो किस दिशा में जाएगा, तो ये मैं राहुल आपसे पूछना चाहूंगा कि इन तीनों दलों के बीच में जो मुकाबला है वो किस तरफ तेलंगाना की राजनीति को मोड़ेगा और कहां पे उसका रुख जाएगा? यहाँ पर अच्छा सवाल ये है कि अगर टीआरएस दल यहाँ पर ज्यादा बड़ा, अगर बात करें तो उनकी पावर यहाँ पर ज्यादा देखी जा रही है तेलंगाना में, और अगर बीजेपी यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ रही है और अगर उनको बहुमत के लिए यहाँ पे जीत, बहुमत सरकार बनाने के लिए अगर वहां पर दिक्कत भी उन्हें अगर कोई होती है तो वो टीआरएस का सहारा ले सकती है। टीआरएस का सहारा इसलिए क्योंकि कांग्रेस जो है वो टीडीएस के साथ है दरअसल, और अगर उनके साथ वो है तो कहीं ना कहीं टीआरएस जो है वो कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी, जिसका पूरा पूरा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। और बीजेपी बहुमत सरकार बनाने के लिए अगर वहां पर जिस तरह, सबसे पहले हम फैक्ट्स की अगर बात करें तो 119 सीटें हैं तेलंगाना में, और सरकार बनाने के लिए आपको 60 सीटें चाहिए। अगर वहां पर अगर सीट कमी पड़ती है, दिक्कत आ पड़ती है, तो बीजेपी को सीधा सीधा टीआरएस का सहारा मिल सकता है, या फिर टीआरएस जो है वो बीजेपी का बीजेपी की मदद से वहां पर अपनी सरकार बना सकती है। ऑलरेडी टीआरएस की वहां पर पावर ज्यादा मजबूत है, वहां पर ऑलरेडी उनके पास 90 सीटें आई थी, जिस तरह से आपको बता दें जी, तो 90 सीटों में अगर इस बार सरकार नहीं भी बनती है और अगर उनको बहुमत की जरूरत भी पड़ती है या सीट्स की जरूरत पड़ती है तो बीजेपी आगे आकर उनका समर्थन कर सकते हैं और अपनी सीट्स मिलाकर वहां पर एक बहुमत सरकार बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं टीआरएस का यहाँ पर मेन रोल है तेलंगाना की सरकार में। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो अगर कांग्रेस यहाँ पर अगर सरकार अगर अपनी बनाने की कोशिश भी करती है, अगर उनको सीट्स मिल भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुमत में उनको, और कहीं ना बहुमत में उनको आकर दिक्कत जरूर होने वाली है। तो यहाँ पे रोहित, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको कि टीआरएस के पास जो इस वक्त 119 में से 90 सीटें थी सरकार छोड़ने से पहले, तो अब क्या लगता है कि यह आंकड़ा घटेगा बढ़ेगा? क्योंकि केसीआर राव की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि यह आंकड़ा बढ़ेगा और ये 100 से पार भी जा सकता है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की जो ये कोशिशें की जा रही हैं जो अलायंस बनाने की, और ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो अभी ये तेलंगाना के अंदर जो ये अलायंस बना चार पार्टियों का, ये एक माइक्रो वर्जन देखा जा रहा है 2019 का, क्योंकि 2019 में चंद्रबाबू नायडू बहुत बड़े लेवल पे चाह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ एक अलायंस बनाया जाए, गठबंधन बनाया जाए। तो ऐसे में इस गठबंधन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है केसीआर राव को रोकना? तरंजी, सबसे पहले तो कांग्रेस को यहाँ पे अपनी, कांग्रेस को बहुत जरूरी है कि कांग्रेस यहाँ पे बीजेपी को हरा के, फिर टीआरएस को हरा के टीडीपी के समर्थन से यहाँ पे अपनी सरकार बनाए, क्योंकि अभी 2019 लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको, ये जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं ये उनका सेमीफाइनल है। उसी तरह से जो चंद्रबाबू नायडू ने सोचा हुआ है उसका ये विधानसभा चुनाव, जो तेलंगाना के विधानसभा चुनाव है, वो सेमीफाइनल है। तो यहाँ पे अगर सरकार बन जाती है चंद्रबाबू नायडू की तो उन्हें काफी फायदा मिलेगा उसका 2019 लोकसभा चुनाव में,
लेकिन यहाँ पे हम टीआरएस को भी कम नहीं आंक सकते, क्योंकि टीआरएस के समर्थन में काफी लोग हैं और यह आंकड़ा मेरे ख्याल से बढ़ सकता है जब उन्होंने विधानसभा भंग की, उसके बाद ये बढ़ने के अनुमान इसलिए भी लगाए जा रहे थे क्योंकि जनता उनके समर्थन में बहुत है, उनके कामकाज से बहुत खुश दिखती है जनता, तो उसका फायदा ये टीआरएस को मिल सकता है। और बीजेपी की सीट अगर टीआरएस को मिल जाती है तो टीआरएस की सरकार बनना तो यहाँ पे फिर संभव हो ही जाता है। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस किस तरीके से अपना गेम खेलती है और किस तरीके से यहाँ पे अपनी सरकार बना पाती है। राहुल, यहाँ पे एक बात जो आंकी जा रही है कि टीआरएस को अगर कुछ सीटों की जरूरत पड़ती है बहुमत से, या फिर अगर टीआरएस जीत भी जाती है तो उसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है, क्योंकि अगर टीआरएस यहाँ पे जीतती है तो आने वाले वक्त में 2019 के जो चुनाव होने हैं उसमें 17 सीटें जो तेलंगाना की लोकसभा की सीटें हैं उन पर भी टीआरएस का दबदबा ज्यादा रहेगा। तो ऐसे में यहाँ पर टीआरएस को बीजेपी का कितना समर्थन और बीजेपी टीआरएस को लुभाने के लिए क्या क्या कोशिशें करने की कोशिश कर रही है। जी कम, यहाँ पर जैसा हम कह रहे कि ये 2019 के चुनावों का सेमीफाइनल यहाँ पर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं 2019 के चुनावों के अगर हम बात करें तो तेलंगाना एक बहुत अहम राज्य है बीजेपी के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पर टीआरएस बहुमत से भी जीत जाती है तो उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होने वाला है 2019 के इलेक्शन में। और अगर कहीं किसी बात से अगर यहाँ पर बहुमत सरकार नहीं बन पाती है टीआरएस की, तो बीजेपी अपनी सीट्स मिलाकर एक बहुमत सरकार वहां पर तेलंगाना में बनवाएगी और ये भी इसका फायदा पूरा होगा 2019 में, क्योंकि जिस तरह आपने बताया था कि 17 सीटें लोग बहुत इंपॉर्टेंट है 2019 के इलेक्शन में, तो बीजेपी को वो 17 सीटें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ में आ चुकी है कि 2019 के आने वाले इलेक्शन में ये 17 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और बीजेपी हर वो काम करेगी, हर वो चीज करेगी जिससे तेलंगाना के लोगों को उसका फायदा हो और टीआरएस को खासकर ज्यादा फायदा हो, क्योंकि टीआरएस बीजेपी से खुश होती है तो कहीं ना कहीं अलायंस उनके साथ होगी और 2019 में पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार से देखने को मिल सकती है अगर टीआरएस तेलंगाना के साथ, तेलंगाना की 17 सीटें अगर बीजेपी को दे देती है। तो यहाँ पर रोहित, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि कितना आधार आपको लगता है कि अगर टीआरएस की सरकार तेलंगाना में बनती है चंद्रबाबू नायडू के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा ये, क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर तो उनका दबदबा है, टीडीपी का अच्छा खासा दबदबा वहां पे चल रहा है, लेकिन ऐसे में जब टीआरएस तेलंगाना के अंदर टीआरएस की केसीआर राव की सरकार बनती है वहां पर, और ये दोनों दल जो है चाहे वो टीडीपी है और टीआरएस है ये एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, क्योंकि दोनों ही एक राज्य में पहले संघर्ष करते रहे हैं और उसके बाद तेलंगाना अलग होने के बाद यहाँ पे दोनों ने अपना दावा ठोका है तेलुगु भाषा के लिए, तो उसके साथ साथ यहाँ पे अगर टीडीपी कांग्रेस के साथ जा रहे तो आपको कितनी संभावनाएं लग रही है कि टीआरएस जो है वो बीजेपी के साथ जा सकती है। तरंजीत, बीजेपी को 2000 ये टीआरएस को इस समय बीजेपी की जरूरत नहीं है, लेकिन बीजेपी को इस समय टीआरएस की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि तेलंगाना में या तो टीआरएस की सरकार बन सकती है या फिर टीडीपी की सरकार बन सकती है, बाकी कांग्रेस की सिंगल नहीं बन सकती, बीजेपी की सिंगल तो नहीं बन सकती, तो यहाँ पे बीजेपी को टीआरएस की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो इसलिए भी कि अगर 2019 लोकसभा चुनाव की बात आती है तो 17 सीटें तेलंगाना से होकर गुजरती है, तो वहीं अगर हम कांग्रेस की और टीडीपी की बात करें तो टीडीपी और कांग्रेस को इस समय यहाँ पे सरकार बनाने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि उन्हें जो बीजेपी के खिलाफ उन्होंने जो अपना मोर्चा खोला है वो तभी संभव हो सकता है जब वो यहाँ पे अपनी सरकार बना सकते हैं। अगर वो यहाँ अपनी सरकार बना लेते हैं तो उन्हें मेरे ख्याल से 2019 के चुनाव में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, इसीलिए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव है, जो विधानसभा के चुनाव है, ये एक तरीके से सत्ता का सेमीफाइनल है और 2019 के जो लोकसभा चुनाव है ये उसका सेमीफाइनल पूरी रूप से आंका जा रहा है। तो अब ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि कल जो चुनाव होने हैं और उनके जो मतदान की जो प्रक्रिया है कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी, 5 बजे तक जनता इन दोनों राज्यों के अंदर चुनाव कर लिए अपना मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। 11 तारीख को नतीजे आएंगे। राजस्थान के अंदर बहुत कांटे का मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के अंदर, और यहाँ पर जो हमारे जनता की भी प्रक्रिया आ रही है तो वहां पर भी दोनों के अंदर देखा जा रहा है कि बहुत कांटे का मुकाबला यहाँ पे भी आंका जा रहा है। तो अब ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प होगा जहाँ पे कांग्रेस की तरफ से दो बड़े कद्दावर नेता राजस्थान के अंदर है, राहुल गांधी की ताबड़तोड़ रैली हुई है, तो वही बीजेपी के पास अपनी जीत का रथ है, उनके पास उनके चाणक्य अमित शाह है, तो
तो वही उनके स्टार प्रचारक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किसी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ी राजस्थान के अंदर। वहीं तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना में टीआरएस का साथ बीजेपी पूरी तरीके से देना चाहेगी, क्योंकि अगर वो खुद इतनी मजबूत नहीं है तो टीआरएस लेकिन वहां बहुत मजबूत है और उनको साथ दे करके किसी भी तरीके से इस राज्य के अंदर बीजेपी हमेशा अपनी दखल अंदाजी रखना चाहिए। तो अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कल जनता क्या फैसला लेती है और पेटीओ के अंदर क्या दखल क्या जवाब दिया जाता है, क्या वो विकास के मुद्दों पे यहाँ पे वोट डाले जाते हैं या फिर राजनीति कुछ अलग स्तर पर जाती है, देखना बहुत दिलचस्प होगा। कल पल पल के अपडेट्स लेकर के मैं और मेरी पूरी टीम आप लोगों के साथ पूरी टीम जुड़ी रहेगी। तब तक के लिए दीजिए हमें कहिए हमें अलविदा, हम फिर आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी दोबारा जुड़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए विकिलीक्स फॉर इंडिया। धन्यवाद।